भारतीय उद्योग व्यापार मंडल युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी के नेतृत्व में बिजली विभाग के पंकज गोयल के नाम उनकी अनुपस्थिति में आरपी वर्मा को ज्ञापन दिया गया। फिरोजाबाद शहर में काफी दिनों से लाइट की कटौती की जा रही है, जिससे व्यापारी एवं आम जनमानस परेशान है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के आदेश है कि जनपद को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी, परंतु इसके विपरीत फिरोजाबाद विद्युत विभाग शहर की जनता को सिर्फ 6 घंटे बिजली दे पा रहा है और 4 दिन से तो लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। व्यापार मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से विद्युत विभाग से अपनी मांगे रखी, जो सरकार की गाइडलाइन 24 घंटे बिजली मिलने की है उसको सुचारू रूप से दी जाए, कटौती के समय लोगों को जानकारियां प्रकाशित की जाए, हर फीडर पर जो कि जिम्मेदार जेई फोन रिसीव नहीं करते हैं यह तत्काल फोन उठाकर जानकारी उपलब्ध कराएं, नगर निगम के पानी आने के समय सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाए, दोषी कर्मचारी एवं अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए, मानसून एवं गर्मी के समय से पूर्व मेंटेनेंस का कार्य सुचारू रूप से पूर्ण कराया जाए, जिससे आम जनमानस को विद्युत सुचारू रूप से मिलती रहे, अन्यथा व्यापार मंडल आंदोलन और बिजली विभाग के कार्यालय में तालाबंदी करने के लिए बाध्य होगा, उसकी जिम्मेदारी फिरोजाबाद विद्युत विभाग की होगी। उपस्थित व्यापारीगढ़ में युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी, महानगर अध्यक्ष आशीष गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल आदि कई व्यापारी उपस्थित रहे। और जो आप काम करा रहे हैं, करोड़ों रूपए हमारे सरकार के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारा पैसा है उद्योग व्यापार मंडल युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी, आज दोपहर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में हमारे जिलाध्यक्ष रामनरेश कटारा जी के निर्देशन में आज एसएन फीडर पर जो चीफ स्टाफ हैं हमारे, उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। जो मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं पूर्व से चले जा रहे हैं 24 घंटे हर जनपद में बिजली मिलने के लिए, मगर हमारे जनपद फिरोजाबाद में कुछ अधिकारी जो बैठे हुए हैं जिम्मेदार, चाहे उनको भ्रष्ट कह लो चाहे कुछ भी कह लो, 24 घंटे बिना बिजली मिलने के लिए 6 घंटे सिर्फ बिजली मिल रही है। अभी तो 4 दिन से ये कार्यक्रम हो गया है, 48 घंटे बिजली कटौती की जा रही है, और जब क्षेत्रीय जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे किया जाएगा, कोई छोटी सी अभी तो बारिश भी नहीं हुई है हमारे यहाँ, छोटा सा पानी 10-5 मिनट पड़ जाता है उसमें इतनी भयानक 24 घंटे लाइट काट दी जाती है, इससे जल संकट पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहे हैं। हम माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से यही कहा है हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, और जो इनके अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों के फोन किसी के नहीं उठाते हैं, ये लोग सही जानकारी नहीं देते हैं, लाइट की कटौती हो रही है भाई, कम से कम जानकारी दीजिए कि लाइट की कटौती इतने घंटे हो जाएगी, भाई 24 घंटे लाइट की कटौती कर रहे हैं। सरकार का अरबों करोड़ों रुपये का जब यहाँ के लिए पैसा दिया गया बिजली आगे, वो पैसा कहाँ गया, उसके लिए आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी, पूर्व में भी जब व्यवस्थाएं खराब थी, चलो अब सरकार में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, मगर यही चाहते हैं जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, हमारी मांगे मानी जाए, 24 घंटे हमको बिजली दी जाए जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है, अन्यथा ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे, जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग फिरोजाबाद की होगी, और इस मामले को हम ऊपर मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने का करेंगे। व्यापारी बहुत आक्रोशित है, आम जनमानस आक्रोशित है, हमको पानी नहीं मिल रहा है, लोगों के घरों के इन्वर्टर बैठ गए हैं, जो बैकअप मिलता था इन्वर्टर से वो भी बैठ गए, 48 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। ये हमारे फिरोजाबाद का दुर्भाग्य है, जो एक स्वर्ग नगरी के नाम से उद्योग नगरी है ये फिरोजाबाद की, जब ये स्थिति है यहाँ तो 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, मगर कुछ लापरवाह अधिकारी है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी से भी निवेदन है, कृपया इसको व्यवस्था को सुचारू करी जाए, जो हमारा सरकार से पैसा 18 करोड़ रुपए आप भी इस चीज के लिए लगे हुए, मगर कुछ अधिकारी ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा सबसे अधिकारियों से इसी ज्ञापन के माध्यम से किया गया, जल्द से जल्द व्यवस्था सी करी जाए, नहीं तो व्यापार मंडल उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होगा। देखा जा रहा है कि जैसे एसएन फीडर पे आपने ज्ञापन दिया है, और भी यहाँ पे फीडर है, क्या उनकी भी समस्या यही रही है? सारी फीडर की समस्या यही है, ये हमने इसलिए उच्च अधिकारी चीफ है, जो सारे फीडर के अधिकारी है, ये आपका पुरुषोत्तम फीडर की बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, वहाँ जो कर्मचारी बैठे हुए हैं आपको फोन उठाने के लिए, वो फोन भी नहीं उठाते हैं, सही जवाब भी नहीं देते हैं, तो हमारी यही है आप अपना अधिकारी जितने भी आपके छोटे कर्मचारी हैं उनको आप सही करा लीजिएगा, आप जो फोन से जानकारी दें, हर जगह की स्थिति यही है, लाइट की बहुत हर फीडर की खराब व्यवस्था है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं फिरोजाबाद विद्युत विभाग की व्यवस्था खराब है, मैं एक फीडर की नहीं कह रहा हूँ, पूरे फिरोजाबाद जनपद की स्थिति खराब इस समय हो चुकी है, जो ये लोग मुख्यमंत्री जी आदेशों की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का 24 घंटे का जो हमारा उनका कहने का है 24 घंटे बिजली मिलेगी, मगर ये लोग 6 घंटे दे रहे हैं, ये सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन आपके माध्यम से, यहाँ के जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उन पर आप कठोर कार्रवाई करिए,
जो जिम्मेदारी से नहीं अपना निर्वाहन काम कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करिए, इनको यहाँ से सस्पेंड करिए, इनको ट्रांसफर करिए। आप आपने मीडिया को सूचना दी थी आपके व्यापार मंडल के द्वारा कि शुक्ला दहन का कार्यक्रम रखा गया विद्युत द्वार का, ऐसी क्या मजबूरी रही कि व्यापार मंडल को बैकफुट पर आना पड़ा? देखिए, शुक्ला दहन करने के लिए बैकफुट पर नहीं आए हैं। अब एक बार हमने इनको एक बार चेतावनी और दे दी है, अगली बार ये हमारी समस्या नहीं सुलझेगी जो आज हमने ज्ञापन दिया गया है, नहीं तो फिर अगली बार हम शुक्ला दहन भी करेंगे और जो उग्र आंदोलन होगा हम तालाबंदी भी करेंगे विद्युत विभाग के कार्यालय में आकर। जो हमने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है चीफ साहब को, ये नहीं होता, 8 दिन बाद तालाबंदी भी करेंगे, शुक्ला दहन भी करेंगे, उसकी जिम्मेदारी समझ फिरोजाबाद विद्युत विभाग की होगी। आज हमने चेतावनी दे दी गई है ज्ञापन के माध्यम से, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार मंडल।